मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सरकार की नौकरशाह महिला कर्मचारी कितनी सुरक्षित हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश में हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खाते गांव की फूड इंस्पेक्टर महिला अधिकारी ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारी ने एसडीएम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। महिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि एसडीएम साहब मुझे व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजते हैं। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी ने आगे कहा कि एसडीएम साहब मुझे अपने दफ्तर में आकर मुझसे गंदी हरकतें भी करते हैं। खातेगांव की महिला फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम संतोष तिवारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि एसडीएम साहब बगैर किसी काम के उनके दफ्तर आ जाते हैं और मेरे साथ गंदी हरकतें करते हैं। महिला ने आगे बताया कि एक दिन तो एसडीएम साहब ने मुझे रात में रूम में आने की बात तक कही थी। महिला ने एसडीएम की शिकायत कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला से भी की थी, जिसके बाद एसडीएम संतोष तिवारी को कलेक्टर ने पद से हटाकर मुख्यालय बुला लिया और उनकी जगह त्रिलोचन गौड़ को खातेगांव का एसडीएम नियुक्त कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।